आंसुओं ए भोलेनाथ, आपसे छुटकर आंसुओं से दोस्ती, अशकों से यारी हो गई, आपसे बिछड़े तो ये हालत हमारी हो गई। दोबारा भाई, दोबारा भोलेनाथ की शरण में अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि वो देवाधिदेव है। कहते हैं कि आंसुओं से दोस्ती, आंसुओं से दोस्ती और अशकों से यारी हो गई, भोलेनाथ आपसे बिछड़े तो ये हालत हमारी हो गई। दोनों हाथ उठाकर भोलेनाथ जय भवानी। पहले तो मेरे साथ लगाएं शक्ति की, बोलिए जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय शंकर भगवान की। इससे पहले तीसरा भजन रूप पुष्प मैं आप सबों के सामने हाजिर करूं, मैं अपनी तरफ से और कोलकाता से पधारी ये मेरी सारी टीम की तरफ से भाई शर्मा जी, डीएल और आप सबों का किन शब्दों में उद्गार प्रकट करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, जो इतने अच्छे श्रोतागण मुझे मिले हैं। क्योंकि राग रसोई पागड़ी कदे कदे बन जाए, राजस्थानी में कहावत है राग रसोई पागड़ी कदे कदे बन जाए, कभी कभी ये मेरी पगड़ी एक ही बार में मैं बांध लेता हूं और कभी कभी 10 बार तोड़नी पड़ती है। और रसोई और राग ये मूड की बात है, बड़ा अच्छा, क्योंकि अच्छे श्रोतागण सुनने वाले हो तो गाने का मूड भी बदल जाता है। बुद्धिजीवी वर्ग मेरे सामने हैं और मैं चाहूंगा कि सिलेक्टेड भजन मैं आपको सुनाऊं। वैसे तो बड़े बचपन से महादेव की कृपा मेरे ऊपर बरसी है, क्योंकि बिहार में मेरा जन्म हुआ, हर साल सावन में बाबा बैद्यनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक मनोकामना लिंग पटना से करीब 400 किलोमीटर, गंगा जी से 100 किलोमीटर की दूरी पर, जहां 9 साल मैंने भोलेनाथ को पैदल कांवड़ चढ़ाई। और मैं सावन में कभी चूकता नहीं, कल ही मैंने त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन किए, सावन का पहला दिन सारे परिवार के साथ शिरडी के साईं की और शनि सिग्नापुर दर्शन करके मैं सुबह यहीं रुक गया आगे ठाणे में। तो मैं शर्मा जी और उनके सारे साथियों का तहे दिल से आभारी हूं। आइए, महादेव तो महादेव ही हैं, सोचते बाद में चरणों में मैं रखता हूं, मैं खास तवज्जो चाहूंगा, ध्यान चाहूंगा। एक गाड़ी MH04 3W9747 जिस किसी सज्जन की कृपया बाहर निकाल दें। नाम जो भोले का रोज लेते हैं, नाम नाम भोले का जो रोज ले, अपने मन में ही बाबा को खोज लेते हैं। जो रोज लेते हैं, जो रोज लेते हैं वो अपने मन में भोले को खोज
जो रोज लेते हैं वो अपने मन में ही बाबा को खोज देते हैं, ऐसी कृपा हो जाती है। भोले का जो रोज 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 लेते हैं अपने मन में ही वो भोले को खोज लेते हैं। नाम भोले का जो रोज लेते हैं वो अपने मन में ही बाबा को खोज लेते हैं। और हो गए हैं जो भोले शंकर के वो तो हर घड़ी हर पल मौज ले ले महादेव का नाम ही ऐसा है अजीब देते हैं। और मिल गई जिन्हें भोले चरण की धूल लखा सिंह वो बड़े मुकद्दर के सिकंदर दिखाई देते। जिस पर महादेव की कृपा हो जाए उस पर मां ने कृपा तो करनी ही करनी है। और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि भोलेनाथ ना किसी धूप दीप नैवेद्य से उतने प्रसन्न होते हैं जितना के कांवर के द्वारा लाए गंगा जल की पूजा विशेष होती है। और भोलेनाथ के दर पे आने वाला कौन क्या है ये सिर्फ बाबा ही जानते हैं। चंद लाइनें कोई कोई अदना है ना कोई आला है हे महादेव तेरे दर पे आने वाला कोई ना छोटा ना कोई बड़ा। कोई अदना है ना कोई आला है तेरा दरबार क्या अदना है ना कोई आला है तेरा दरबार क्या निराला है। हे भोलेनाथ तू नहीं देखता तेरे दर पे आने वाला कौन गोरा है और कौन काला। तो बाबा का सुनाए इसलिए महादेव की जयकार जरा दिल से लगे क्योंकि जीवन में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं। जीवन में कभी खुशी तो कभी गम होता है और भोलेनाथ की जयकार सारे माताएं बहने भाई बंधु बोलिए सत्कार भगवान की। हरे हरे महादेव। ओ सावन का महीना आ गया ओए चल चलिए चल चलिए महीने में कांवड़ की बड़ी महिमा है गंगा जल भर के या कोई भी जल भर के। ओ सावन का महीना आ गया ओए चल चलिए चल महीना आ गया ओए चल चलिए चल चलिए चल चलिए चल चलिए।
जैसा कि मैंने पढ़ा है, महादेव की नाद से निकला हुआ बम शब्द, ना जाने बम को जप के कितने तर गए। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि सावन का महीना है, मैं कहूं हर हर और सारे बम बम बोलिए, हर हर बम बम, 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 हर ही हर बम बम, हर ही हर बम बम, जाता है कोई झूला सजा के। हरिद्वार से आपने देखा होगा नीलकंठ महादेव को झूले में गंगा जल सजा के लोग भक्तगण लेके जाते हैं। कोई कोई खड़ी कपड़ी सजाकर जल हरिद्वार से आता, और कोई गंगा में डुबकी लागे। माह में जो भी उनका
प्रेम से, विश्वास से, भक्ति से मांगे, उन्हें अपनी कृपा से लबालब करें, उनकी आत्मा को पावन करें। भोलेनाथ से विनती है, आइए महामाई की शरण में एक और छोटा सा पुष्प श्रद्धा सुमन लखा जी की। मैं एक बार फिर लखा जी की तरफ से आने का। हाँ, अगर एक विशेष श्याम जी का भजन था उसे आप सुन लेते तो अच्छा रहता मेरे लिए भी, आप सब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम भाई आइए, आइए श्री श्याम प्रभु के श्री चरणों में। ये श्री श्याम एक ऐसे देव जिन्होंने समस्त मानव को अपने अस्तित्व का, अपने विश्वास का, अपने प्रेम का ये संदेश दिया। एक पावन गीता भी, महाभारत जिनकी देख रेख में की गई। आइए एक सुंदर रचना लखा जी इसे बड़े प्रेम से गाते हैं और बड़ी अनुपम होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बजरंग बली महाराज की जय। इसके बाद बजरंग बली का ही गाऊंगा। ये विशेष भजन मैं कभी कभार ही गाता हूँ जब सुनने वाले इंटरेस्टेड हों, क्योंकि इसमें कुछ हिंदी के शब्द हैं और कुछ अंग्रेजी के शब्द। समझने वाली बात यह है कि कवि ने क्या कहने की कोशिश की है हिंदी के शब्द और अंग्रेजी के शब्दों को मिला के, ये सुनने की बात है। इसकी तर्ज ना देखें, इसकी धुन ना देखें, बल्कि इसके शब्द सुने। श्री वृंदावन के भाई कुंज बिहारी जी सोनी, जिन्होंने इस भजन को करीब 15 साल पहले लिखा था और मैंने सुपर कैसेट में रिकॉर्ड भी करवाया, सुने और समझे, और हो सके तो मीठी मीठी ताली बजा के अगर पसंद आए तो गाएं भी। श्याम माई डियर मस्ताना, श्याम दुनिया में एक ऐसे हैं कि जो अपने भक्तों के खुद भक्त हैं। भगवान तो हैं ही, सोलह कला संपूर्ण, लेकिन हमारा इतिहास गवाह है कि जिसने भी श्याम को दिल से याद किया, फरियाद की, कन्हैया ने उसका बेड़ा खुद नंगे पांव आकर के पार किया। मैं चाहूंगा कि एक जयकार मेरे साथ उठा ले हाथ दोनों। पल पाके बिहारी लाल की। श्याम माई डियर मस्ताना, डियर उसी को बोलते हैं जो सबसे प्यारा होता है, और दुनिया में दुलारे बहुत हैं, न्यारे भी बहुत हैं, लेकिन श्याम ही एक ऐसा है जो सिर्फ प्यारा है। क्या जी खंडेलवाल जी, और श्याम से बढ़के दुनिया में कोई खूबसूरत भी नहीं है। दुनिया में तो एक से एक चेहरे हैं, लेकिन श्याम से बढ़कर नहीं। तभी कहते हैं श्याम सुंदर। बोलिए श्याम सुंदर की जय। चंद लाइनें याद आ गई। श्याम जय हो मेरे श्याम। श्याम तू बड़ा ब्यूटीफुल है, रूप तेरा वंडरफुल है, दरबार तेरा हाउसफुल है,
क्योंकि तू बड़ा पावरफुल है। ओ श्याम माई डियर मस्ताना भाई गॉड दीवाना बदला दीवानगी ना भूतो ना भविष्य जैसे जैसे अरे जैसे अंगुली में अंगूठी और अंगूठी में हीरा वैसे मीरा में मोहन और मोहन में जब जहर का प्याला उठाया तो उसे नंद का लाल नजर आया। दीवानी थी मीरा लिया विष का प्याला तो प्याले में आया नजर नंद का लाला। तो भाई क्यों हो खंडेलवाल जी, अरे डेंजरस पॉइजन का पी गई पैमाना मीरा रानी, उस डेंजरस पॉइजन का पी गई पैमाना भाई गॉड दीवानों का दीवाना श्याम भाई गॉड दीवानों का दीवाना भाई गॉड दीवानों का दीवाना श्याम भाई गॉड दीवानों का से जो भक्तगण वृंदावन गए हो जरा हाथ उठाएं। क्या बात, जय हो बांके बिहारी। बस एक झलक हरे पर्दे के पीछे एक झलक नजर आती है बेड़ा पार। बोलिए रूप राशि खड़ा बन समर कर खड़ा बन संवर कर जिसे लूटना है वो लूटो जी भर कर। के लूटो, अरे वेरी नाइस ब्यूटी का खजाना मेरा श्याम
वेरी नाइस ब्यूटी का खजाना पाई को जो दर्शन को गया वही झूमने लग गया कैसे लगे झूमने ऐसा जादू ये कर दे लगे झूमने ऐसा जादू ये कर दे ना जाने क्या मस्ती सी रग रग में भर दे लगे झूमने ऐसा जादू ये कर दे ना जाने क्या मस्ती सी रग रग में भर दे क्यों अरे स्वीट सॉन्ग मुरली का तराना जब शाम की बांसुरी बजती है तो त्रिभुवन नाचता है तो फिर आम आदमी क्यों ना झूमे लगे झूमने ऐसा जादू ये कर दे ना जाने क्या मस्ती सी रग रग में भर दे स्वीट सॉन्ग मुरली का तराना भाई कोड दीवानों का दीवाना मेरा शाम भाई कोड दीवानों का दीवाना शाम भाई कोड दीवानों का दीवाना शाम माई डियर मस्ताना शाम माई डियर मस्ताना भाई को हाथ एक बार अपने प्यारे प्यारे जिनको मेरे श्याम ने दो दो हाथ दिए हैं और एक बार श्याम की तरफ देखें और मेरे साथ जयकार लगाए बोलिए श्याम प्यारे की कुछ कह रहे हैं आप श्योर आइए बजरंग बली के शिक्षकों में चले ऐसे देव जिनके सुमरण से ही सारे कष्टों का निवारण होता है दुनिया में आदित्य देव सबसे बड़े चारों युग प्रताप कर रहे हैं चारी जिनका प्रताप हो अजर अमर ऐसे देव को गोल्डन कोट पहनाया एक राम के कारज संवारने वाले अतुलित बलिहारी श्री बजरंग बली की महिमा का क्या कहना उनके चरणों में हम सारे भक्तों का गोल्डन कोट प्रणाम आइए बजरंग बली के श्री चरणों में लखा जी आप सारे भक्तों की तरफ से एक सदा सुमन लेकर आ रहे हैं इसके पहले कि उनका भजन हो मैं कोई भी नीचे न रखे कोई भी जुबान खाली न रहे बजरंग बली की जयकार में सम्मिलित हो अवश्य हो ये मेरी विनती है और धर्म पुण्य का लाभ लें क्योंकि बजरंग बली के जयकार में कोई कमी न रखे दोनों हाथ उठाकर समर्पण से
बोलिए बजरंग बली बली के, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। हनुमान जी की महिमा कलयुग में अपरंपार, यूं तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, पर कलयुग में महारानी सीता के वर से अजर अमर बजरंगी की महिमा अपरंपार है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हो। और बात भी सही है, क्योंकि बल में बलवान ना होते, लिए गदा महान ना होते, तो विजयी श्री राम ना होते अगर हनुमान ना होते। हेलो सियाराम, हनुमान जी जितने बली हैं उतने ही नम्र भी हैं। चार लाइनें हनुमान जी की ऊंची शान में, मैं इसमें खास तवज्जो चाहूंगा, ध्यान चाहूंगा। झुका दे झुका दे झुका झुको झुका दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, झुका दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं। झुका दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, क्या कहते हैं ऊपर वालों जरा बताएं, ऊपर वाले नीचे वाले नहीं, क्या कहते हैं? फिर नीचे वाले बोले ऊपर वाले, क्या बात। झुका दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं। हाँ साहब, तूफानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं। झुका दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं, और इंसानों से जो ले टक्कर उसे शैतान कहते हैं, और शैतानों से जो ले टक्कर उसे हनुमान कहते हैं।
आगे, हाँ साहब जरा उठ के, कोई सुबह खाली तो नहीं।
आइए एक पुष्प और, ये ऐसा पुष्प है राजस्थानी, कौन कौन समझते हैं जरा हाथ उठा लीजिए, क्या बात, राजस्थानी सेवा समिति, ओह सॉरी सॉरी, ठीक ठीक माफ कीजिएगा, क्या बात, हे जी मारा बाबा हनुमान, ओहो सर, सर जी मैं ठीक नहीं कह रहा हूं क्या, थैंक यू सर, बजरंग राजस्थान के एक चौधरी जी बजरंग बली महाराज की खूब सेवा करी, खूब सेवा करी, खूब सेवा करी, हनुमान जी प्रकट होगा, बोला चौधरी अरे मांग के मांगे हैं, एक बात बता दूं मैं कि जाट चाहे राजस्थान का हो, हरियाणा का या पंजाब का, वैसे महाराष्ट्र के धन्ना जाट जिन्होंने पत्थर से भगवान को प्रकट किया, क्योंकि जाट के गुस्से से भगवान भी डरता है, ये 100% सही है, एकदम, बोलिए भक्तर भगवान की जय। तो चौधरी जी बोलिया बाबा जैसे मारे पे घना ही खुश हो, तुम्हारा बाबा हनुमान मारा ताता हनुमान, अजी ऐसो वर तो मानर दी जो धरू तुम्हारो धान मारा, चौधरी जी बोलिया बाबा बस थारी दया बनी रहे अब तो ये काफी है, पर इंसान के लिए कुछ और भी तो चीजें जरूरी है, बोले मांग, बोला तो फिर बाबा अजी बाजर की रोटी रे दीजो ऊपर लून भी, बाबा अजी बाजर की रोटी रे दीजो ऊपर शक्कर घी, और ओट बाने कूतड़ा भी जो घनो पड़े लो सी जी रैपान ने तो हेली रे दीजो बाबी दुबई में बारा तल्ली पूरे तो मुंबई में दे दी नहीं दो धन्यवाद, अजी रैपान ने तो हेली रे दीजो रखवाली ने ठाकर, और मांग तो डाने मौत दीजो सेवा करने जाकर बाबा जैसे और भी ज्यादा खुश हो, तो आथूनो तो खेत दीजो क्योंकि जाट ने खेती बहुत ही प्यारी लागे, क्या जी बजरंग जी, अजी आथूनो तो खेत दीजो माए दीजो नाड़ी, और घरवाली ने चौधरी मांग रहे हो चौधरी, कदे या बस समझो बाबा के लखा सिंह मांग रहे हो है, अजी अथूड़ो तो खेत दीजो माए दीजो नाड़ी, और घरवाली ने छोरो दीजो भैंस लिया पानी।
एक खास बात, छोरो दीजो पर टबरिया सपूत दीजो खटखट करके लियावे। क्यों? आज का सारा टाबर टीवी देख के कपूत हो रहा। तो टाबरिया सबूत दीजो खटखट करके लियावे और गद्दी ऊपर बैठो रवो हुक्को भर भर प्यावे। चौधरी जी अगली डिमांड करने ही वाले थे, अतः में चौधरी आ गई और दियो चौधरी ने धक्का, बोले हट मोड़ा मन्ना भी मांग बदू बाबा सू। तो चौधरी के मांग रही है, बोली बाबा मेरा जाट ने हेली मांग ली भाभी दुबई ने, हेली के लिए कुछ साजो सामान भी तो चाहे बाबा, इसलिए मेरी विनती यह है अजी सोफा कुर्सी जाजम दीजो और दीजो फ्रिज ठंडा ठंडा बोलो तो कोका कोला। बाबा अजी सोफा कुर्सी जाजम दीजो और दीजो फ्रिज और चार जेट की साड़ी दीजो कदे न टूटे फ्रिज। हेली भी मांग ली मेरे जाट ने, पर हेली क्या गए एक लंबी सी गाड़ी भी तो बाबा, इसलिए अजी इंपोर्टेड तो कार दीजो सागे में डिलीवर। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो नो स्कॉर्पियो फरारी 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 हो बजरंग बली। अजी इंपोर्टेड तो कार दीजो सागे में डिलीवर और मेरा जाट ने बनवा दी जो लोकसभा को मेंबर। फिर दोनों बोले बाबा अर्जी मारी और वर्दी थारी, पर या मत भूलिए के भाव दीजो भक्ति दीजो और थारे चरणारी प्रीत। जो ये मांगते हैं वो जरा हाथ उठाए, भगवान को भगवान से स्वयं को मानना मांगना चाहिए, डिमांड तो वो देते ही हैं। जैसे बच्चे को क्या चाहिए ये पिता को मालूम होता है, पर इतना जरूर मांगना चाहिए कि हे प्रभु अजी भाव दीजो भक्ति दीजो और दीजो प्रीत और अठाने का टापरिया तो गावे थारा गीत। हमारे बीच श्री सबके प्यारे श्री राजेंद्र जी खंडेलवाल यानी राजू जी, जो अपनी मिसाल आप हैं, लखा जी के बहुत ही प्यारे अनुज छोटे अनुज, भजनों में इनकी खास पहचान है, उनसे
मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ कि अपने इस देव के श्री चरणों में एक अपने सदा सुमन रखे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए प्रेमियों, बस इतना सा कष्ट दूंगा आप सभी को, कहना है जय हो। कौन कौन कहेगा जरा हाथ खड़े करके बताना। ओ बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी, जय हो। चाहे जग रूठे ते रूठ जाए, ओ बंसी बाजेगी बंसी बड़ी जादूगारी, जुलम मेरे साथ प्यारे। तेरी बंसी बड़ी जादूगारी, जुलम मेरे साथ प्यारे। तेरी बंसी बड़ी जादूगारी, जुलम मेरे साथ प्यारे। तेरी बंसी बड़ी जादूगारी, जुलम मेरे साथ प्यारे।
सबसे बड़ी सरकार कौन है? हमारा लखदातार श्री श्याम सरकार। इस सरकार ने इस दरबार में कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी कुछ कहने की जरूरत पड़ी है किसी को? मन की बातें जानते हैं, क्योंकि यहां कहने की जरूरत नहीं, तेरा यहां आना ही बहुत है। श्री श्याम के दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है, क्योंकि मिलता है जहां न्याय वो दरबार यही है। अरे कलयुग की संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। सावरियो बैठो है, सावरियो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। Thank you.
सावरियो बैठो है जो लेनो है सो मांग लो। सारा साचो सेठ मुरारी झूठा देख के लटका सारा साचो सेठ मुरारी। अगर मेरी बात सही है झूठा सेठ जगत का सारा साचो सेठ मुरारी। अगर मेरी बात सही है तो उठा ले हाथ दोनों सारे उम्र वाले भी। बोल सावरिया सेठ की चौखट से तो फिर खोना ही खोना है। तेरी किस्मत में आए बंदे बस फिर रोना ही रोना है। ये दुनिया कुछ ना देगी बजरंगी चल मेरे श्याम की नगरी में। इधर पीतल ही पीतल है उधर सोना ही सोना। जो लेनो है सो मांग लो सावरियो। मेरी एक इच्छा है बीच में श्री राम दरबार ठीक बाई और बजरंगी उनके ठीक बाई और सालासर के हनुमान ठीक कॉर्नर में मेरे श्याम इधर महारानी और इधर सुरों की देवी माँ सरस्वती। मैं चाहूँगा कि एक माँ के चरणों माँ शारदे के चरणों में एक फूल रखूँ। उसके बाद जैसा आपका आदेश होगा मैं आपके साथ हूं। क्योंकि किसी को सोच देती है किसी को साज देती है। शर्मा जी कहाँ है? किसी को सोच देती है किसी को साज देती है। किसी को तख्त देती है किसी को ताज देती है। यूं तो माँ के दर से बिन मांगे ही मिल जाता है लखा सिंह। पर माँ जिस पर बेहद खुश हो उसे सुंदर आवाज देती है। तो आवाज केवल गाने के लिए नहीं होती है जयकार के लिए भी होती है। उठा ले हाथ जयकारा शेरवाली दा।
अगर हो सके तो बस एक लाइन ही गाएं, माँ शारदे माँ शारदे, बोलिए माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे, शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे।
ओके ओके बैठिए, आप नृत्य करेंगे ना? नृत्य करेंगे ना? नृत्य करेंगे नहीं? समाज में तो फिर बहुत जरूरी है। बोले खाजू नरेश की, बोले लखदा तार की, हे जुल्म कर डारो सितम कर डारो, जुल्म कर डारो सितम कर डारो, हो काले ने काले ने कर दिए लाल रे, जुल्म कर डारो की नथलिया।